नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो वेलकम टू माई चैनल एक्सप्लोरिंग अनलिमिटेड। तो गाइज आज हम जा रहे हैं टोबर मोरी, ये ऑनटेरियो में ही पड़ता है और यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर का रास्ता है और 2.5 से 3 घंटे की जर्नी होगी ये। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो जी ब्रैम्पटन से निकले हुए यहाँ पे 2.5 घंटे हो चुके हैं और 2.5 घंटे की जो ड्राइव थी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंजॉय किया हमने, काफ़ी सीनिक व्यूज जो भी सीनरीज थी बढ़िया थी। और जब आप भी आएंगे तो आप भी इंजॉय करेंगे। अप हिल डाउन हिल रोड चल रही है और सिंगल रोड ही है जो टू वे है क्योंकि ये हाईवे नहीं है और स्पीड 80-90 के बीच में ही चलेगी। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं, अराउंड 20 मिनट्स का रास्ता और रह गया। अब आपसे मुलाकात होगी टोबर मोरी। तो जी टोबर मोरी पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब ये ब्लू हेरन क्रूजेज है जो आप स्क्रीन पे एड्रेस देख रहे हैं, आप इसको डाल के यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन टिकट्स बुक करी हुई ऑलरेडी तो यहाँ से आपको पेपर टिकट्स मिलेंगी और वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपने कहाँ जाना है। जैसे कौन सा हमारा 145 का क्रूज़ है तो हम यहाँ से टिकट्स लेके अपनी दूसरी पार्किंग लॉट पे जा रहे हैं और वहाँ से 2 या 3 मिनट की वॉक डॉक तक, उसके बाद क्रूज़। तो चलिए चलते हैं। टिकटें मिली वहाँ से, ये सब कुछ मिला है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कहाँ पर आपने जाना है। अब वहाँ पर हमने पार्किंग लगा दी है, ठीक है। ये हमें एक पार्किंग पास मिला है जो भी हमें अपने डैशबोर्ड पे रखना गाड़ी के, ये आज के लिए ही सिर्फ वैलिड है। इसके पीछे एड्रेस है, यहाँ पे हम आए हैं और ये हमारी टिकट्स हैं। तो अब यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से 2 या 3 मिनट की वॉक है डॉक यार्ड तक, वहाँ हम चलते हैं। गाड़ी पार्क कर दी हमने, चलिए। वो हमने अभी उधर उधर जाना है घूम के। सो इस वक्त मैं टोबर मोरी हार्बर पर हूँ, हम अपने क्रूज़ की तरफ वॉक कर रहे हैं और जो आप ये सारा देख रहे हैं ये यहाँ का हार्बर है। यही क्रूज है, जो भी आया है पैसेंजर्स उतरेंगे और हम इस पर चढ़ेंगे। लाइनअप है यहाँ पे और लाइन लगी हुई है, हम खड़े हुए हैं, वेट हो रही है। 145 की टाइमिंग है, 130 हो रहे हैं और 130 पे ही स्टार्ट होनी है बोर्डिंग। अब चलते हैं अंदर। के अंदर आ चुके हैं हम और इसके 2 फ्लोर्स हैं, एक लोअर डेक है, अपर डेक है। शेंगी तो ऊपर चला गया, मैं नीचे खड़ा हूँ। अब वेट कर रहे हैं कब ये स्टार्ट हो। तो जी हमने तो 1.5 घंटे का ये नॉन ड्रॉप ऑफ सीनिक बोट क्रूज़ बुक किया है जिसकी टिकट अराउंड $55 है एक एडल्ट की, और जिसमें ये आपको पहले शिपरैक्स, लाइट हाउस और काफ़ी सारे आइलैंड्स दिखाते हुए एंड में फ्लावर पॉट आइलैंड दिखा के वापस ले आएंगे। इसके अलावा भी ये 2 तरह की और बोट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहली तो है ड्रॉप ऑफ बोट जो आपको फ्लावर पॉट आइलैंड पर लेके जाएगी और पिक करके वापस लेके आएगी, और दूसरी है सनसेट व्यू बोट क्रूज़ जो शाम को चलता है अराउंड 5 से 6 बजे के करीब डिपेंडिंग ऑन सनसेट। तो अब हम लोग एंटर हो रहे हैं बिग टर्ब हार्बर में। वैसे तो टोबर मोरी में 20 से भी ज़्यादा शिपरैक्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा क्लियर एंड विजिबल है वो 2 शिपरैक्स यही हैं। तो जो फर्स्ट वन जो आप ये शिप देख रहे हैं इसका नाम है द स्वीप स्टेक्स एंड दिस शिप सैंक इन 1885। कोव आइलैंड के पास डूबा था ये, फिर इसको टो करके लेके आए यहाँ तक और तब से ये यहीं है। और जो सेकेंड है इज द सिटी ऑफ ग्रैंड रैपिड्स, और इस शिप को आग लग गई थी कहते हैं वाइल्ड डॉग्ड इन लिटिल टब हार्बर, और दोनों शिप एक दूसरे से 100 फीट के डिस्टेंस पे है और अराउंड 20 फीट डाउन इन वाटर। ये थे शिपरैक जो बाहर से भी दिखाए आपको अंदर से भी, और पानी इतना क्लियर है कि जितनी भी डेप्थ होगी इसकी हम नीचे तक बिल्कुल देख सकते हैं, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है। टोबर मोरी जो कि नॉर्थ ब्रूस पेनिनसुला में आता है,
और ये जगह जन्नत है स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग लवर्स के लिए। टॉप 10 फ्रेश वाटर स्कूबा डाइविंग प्लेसेस में इसका नाम आता है इन द होल वर्ल्ड। यू कैन डाइव 120 फीट डीप इन फ्रेश क्रिस्टल क्लियर वाटर। और ये डाइविंग सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है क्योंकि थोड़ा रिस्की है। यहाँ पे तो ये है जी बिग टब लाइट हाउस, ओरिजिनली बिल्ट इन 1885 एंड लेटर ऑन रिप्लेस्ड बाय दिस सिक्स साइडेड 14 मीटर वुडन स्ट्रक्चर इन 1987। एंड आज भी बोट्स को ये गाइड करता है अपनी रेड लाइट के थ्रू। तो शैंकी शिपरेक देखा कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं तो आना चाहिए एक एक बार तो कम से कम है ना। और अभी धीरे 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 वोट भी तेज हो रही है, तेज हो रही है, टाइटैनिक लग रही है। हम बिल्कुल ये टिप पे लोगों ने कब्जा कर लेना, तो हमने कब्जा कर लेना यहाँ पे। मेरे को जो जो कोने दिख रहे हैं बड़ी बड़ी, मैं सब पे नजर और मास्क मैंडेटरी है यहाँ पे। डर गया मैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब टोबरमरी को काफी इंजॉय कर रहे होंगे। एंड ये वीडियो जो है ये कैम्बली ने स्पॉन्सर किया है। कैम्बली इंडिया की एकमात्र ऐप है जो वन ऑन वन क्लासेस प्रोवाइड करती है विद नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक US, UK, कैनेडा एक्सेट्रा, जो काफी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव है। स्पेशली जिनको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में नहीं बोलने में डिफिकल्टी होती है, ये ऐप उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। डिपेंडिंग ऑन योर गोल आप अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि कैसे आप अपने पसंद के जो इंग्लिश नेटिव स्पीकर है, ट्यूटर है, जो उससे बात कर सकते हैं ओवर द कॉल। आइए। हेलो, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू लाइक इफ यू वेंट समवेयर इन हॉलीडेज और एनी टूरिस्ट प्लेस like let's suppose Niagara Falls, so how would you describe the beauty of Niagara Falls? Well, I would say that it's something very like fabulous, like the waterfalls, the water looks beautiful, that like very interesting. Well, I have seen a lot of pictures of the Niagara Falls, so oh, yeah. I would say it's like a peaceful place where you could enjoy with your family, with your friends, take pictures there. So yeah. Thank you so much for your time. आपकी और ट्यूटर की कन्वर्सेशन ऑटो रिकॉर्ड होती है, आप बाद में उसको सुन भी सकते हैं। अगर आप 3 months की सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसकी और डिटेल्स और लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब वापस चलते हैं टोबरमोरी। सब अमेजिंग अमेजिंग, वेदर भी बहुत अच्छा है और जगह तो है ही अच्छी। When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. हवा बहुत तेज है और ये अराउंड मेरे ख्याल से 30-40 माइल्स पर आवर की स्पीड से बोट चल रही है। यहाँ से अब ये क्रूज टर्न ले रहा है। और जो आप ये सारा पानी देख रहे हैं ये सारा जॉर्जियन बे का है एंड लेक ह्यूरन, वन ऑफ द ग्रेट लेक्स इन USA। ये ट्रेल्स बनी हुई है, आप इस आइलैंड पे जा भी सकते हैं, ड्रॉप ऑफ ले सकते हैं, पर अभी हम नहीं जा रहे। तो काफ़ी आइलैंड्स को क्रॉस करके जो मेन चीज़ है यहाँ पे फ्लावर पॉट आइलैंड, हम इधर आ गए हैं। इस राइट कॉर्नर के बाद फ्लावर पॉट आइलैंड है, वैसे तो सारा ही है पर वो फ्लावर पॉट जो मेन जो दो स्कल्पचर्स हैं पॉट साइज में वो है इधर। फ्लावर पॉट्स, फर्स्ट वन यू सी स्टैंड्स अबाउट 54 फीट टॉल
and the shoulder one both 32 feet tall. Now, thousands of years ago, they're connected to the cliffs, the bluffs you see behind them, at the valley tip top. इस जगह का नाम फ्लावर पॉट आइलैंड इसके दो फ्लावर पॉट लाइक स्टोन पिलर्स की वजह से पड़ा है और एंड इट्स अ पार्ट ऑफ फैथोम 5 नेशनल मरीन पार्क जो कि कनाडा का सबसे पहला नेशनल मरीन पार्क है। अगर आपने ड्रॉप ऑफ लेना है फ्लावर पॉट आइलैंड पर तो ध्यान रखना आपके पास नेशनल पार्क्स ऑफ कनाडा का पास होना चाहिए जो आपको ऑनलाइन या टिकट बाय करते हुए मिल जाएगा। अराउंड $5 to $7 का होता है ये पास। फ्लावर पॉट आइलैंड सिर्फ बोट से ही एक्सेसिबल है एंड टोबरमोरी की टॉप अट्रैक्शंस में से हमने इस वीडियो में 4 से 5 चीज़ें ऑलरेडी कवर कर दी हैं जैसे कि फैथोम 5 नेशनल पार्क, फ्लावर पॉट आइलैंड, बिग टब लाइट हाउस, बोट क्रूज राइड, टोबरमोरी हार्बर एंड बिग टब हार्बर एंड शिपरेक्स। इसके अलावा आप ब्रूस नेशनल पार्क और सिंगिंग सैंड बीच भी देख सकते हैं। आप ये अगर आपको दिख रहा हो छोटा सा रेनबो बन रहा है, वाह भाई वाह। आते हुए हमें इधर फ्लावर पॉट आइलैंड तक इतना टाइम लगा पर जाते हुए ये बता रहे हैं कि 20 मिनट्स में ये हमें डॉक पे पहुंचा देगी बोट, तो काफ़ी स्पीड से चलने वाली है। टोबरमोरी में दो कंपनीज हैं जो ऑपरेट करती हैं, एक ब्लू हेरन जो हमने करी है और ब्रूस एंकर। और जो ब्लू हेरन कंपनी है इनके पीक सीजन और ऑफ सीजन के टाइमिंग एंड प्राइजेस दोनों डिफरेंट हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। जी हमारी बोट तो पार्क हो गई है डॉक पे, अब नीचे उतरते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। बीच पे चलते हैं यहाँ। बीच पे दो चार बीच है अच्छे अच्छे वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ओके कुछ खाते हैं पहले। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, बढ़िया लगा? अरे जबरदस्त, फर्स्ट टाइम। मतलब अगर आप ओंटेरियो में कहीं भी रहते हो तो आप कुछ मिस कर रहे हो अगर आप यहाँ नहीं आए टोबरमोरी, और क्रूज जरूर करना। हमने तो सीनिक वाला लिया था, उसमें ड्रॉप ऑफ नहीं था, वरना आप फ्लावर पॉट पे ड्रॉप ऑफ भी ले सकते हो, उसकी मैं आपको डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बहुत साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर पानी, साफ बिल्कुल। टोबरमोरी हार्बर के साथ प्रॉपर एक लेन में सारे पैटियोज हैं, स्वीट शॉप्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये फिश एंड चिप्स काफ़ी फेमस है यहाँ का। वेंडिंग मशीन से पानी और ड्रिंक से बहुत बार निकाली हैं, आज पिज़्ज़ा निकालेंगे। योर वेजिटेरियन इज ऑन इट्स वे। आ गया भाई, उत्तरी गर्म है भाई। तो गाइज आपको होगा कि हर चीज़ में बोल देता है कि पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ। अब ये एक बायोगोड मैंने पहली बार देखा है कि वेंडिंग मशीन से पिज़्ज़ा हमने गर्मा गर्म बनवाया और ये फ्रोजन नहीं था, अंदर ही बना है 3 मिनट में बाहर। ये देखो हॉट क्रिस्प एंड फ्रेश। पर ये अंदर हमें इसके स्लाइस करके मिले हैं, स्लाइस हम खुद ही कर रहे हैं। तो हाँ एक एक कर लो। लो जी ये तो हो गया रेडी, बहुत फ्रेश है यार ये तो, एकदम फ्रेश यार, एकदम बढ़िया चीज़ है यार। तो गाइस बज रहे हैं 5 और ये था टोबरमोरी बोट क्रूज का टूर, और साथ में हमने वेंडिंग मशीन से पिज़्ज़ा भी खाया पहली बार, और दोनों चीज़ें मैंने पहली बार करी हैं। और यहाँ पे बीचेस भी हैं और थोड़ी सी और जगह भी हैं, पर बीचेस हम घूमते ही रहते हैं तो वो ज़्यादा दिखाने का मेरा मन भी नहीं, और हम लेट भी हो रहे हैं, हमें घर भी पहुँच रहे हैं, ऐसे 3.5 घंटे की ड्राइव है। और तो अब हम टोबरमोरी से निकल रहे हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। Keep watching Exploring Unlimited. Stay healthy, be safe. Thank you so much.